नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अफजल आफ्ताब। कोरोना कर्फ्यू का एक दिन और आज हम आपसे मेडिकल की सुविधाएं क्या हैं, क्या सेवाएं हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और उसके साथ शहर के समाज सेवियों ने कलेक्टर को मेडिकल किट दी है। शिवम पैथोलॉजी के संचालक हमारे साथ हैं, हमारे मित्र भी हैं। मैं चाह रहा हूं कि मेडिकल की जो सुविधाएं हैं किस तरह से लोगों को मिल रही हैं, सर ये बताएं क्या मतलब और मेडिकल की क्या व्यवस्थाएं। अब मेडिकल में जो है तो जांचें होती हैं, कोविड प्रोफाइल वगैरह है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उसका सरकारी रेट तय कर दिया है। जैसे CBC हो गया, CRP हो गया, डिडाइमर हो गया, फैटिन हो गया, IL-6 हो गया, प्रोकेसिटोनिन वगैरह हो गया, जो कि कोविड यदि किसी को पाया जाता है उसमें ये पैरामीटर ऊपर नीचे होते हैं। उसे जो है आसानी से पता लगा सकता है कि कोविड का असर हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे है। समय रहते जांच हो जाए तो उससे मरीज को बचाया जा सकता है और ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है, डायग्नोसिस बनाने में आसानी रहती है। भाई साहब, हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना के मरीज कम हो रहे हैं जी। अब लग रहा है कि 1 जून से संभवतः खुलेगा जी, तो हमें और किस तरह की सावधानी बरतनी होगी? अब हम लोगों को क्या है कि मास्क लगाना चाहिए सबको, अनिवार्य है। 2 गज दूरी बनाए रखें और सैनिटाइजर का उपयोग करें, हाथ धोते रहें और बिना काम के घर से बाहर न निकलें। जब बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, डॉक्टर के पास भी विशेष ज़रूरत है बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है तभी जाएं। पैथोलॉजी पे भी लोग बने आते हैं जी, तो किस तरह की सावधानी उनको बरतना चाहिए? पैथोलॉजी में हम लोग ने वो बना के रखा हुआ है कि भाई थोड़ा सा दूरी डिस्टेंस मेंटेन रखें, एक एक करके सबको पेशेंट लेते हैं, सैनिटाइज कराते हैं। हाँ, संजय मेडिकल स्टोर के संचालक पंकज जैन हमारे साथ हैं। और मेडिकल में किस तरह की परेशानियां आ रही हैं और क्या पर्याप्त दवाएं हैं शहर को, और ये तीसरा जो लहर आने वाली है और लॉकडाउन खुलने वाला है उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? पहले तो सबसे पहले प्रशासन को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं। हमारे प्रशासन ने भरपूर सहयोग किया है और समय समय पर हम लोगों को हिदायत दी गई है कि कोई गलत काम ना हो, मार्केट में कालाबाजारी ना हो, दवाइयों के रेट बिल्कुल निर्धारित हों। और इवन हमारे यहाँ जो यहाँ प्रशासन है उन्होंने CT स्कैन वगैरह के रेट निर्धारित किए, जो कि पहले 5,000 था वो 3,000 हो गया है। ऐसे ही CRP और D-dimer टेस्ट जो 1500-1500 के हैं वो 500 रुपये में प्रशासन ने किया है। और मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ प्रशासन से कि इस तरह के मतलब कदम उठाएँ जिससे गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा हो। हाँ, जहाँ तक दवाइयों की शॉर्टेज का सवाल है, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है, धीरे धीरे दवाइयाँ अब अवेलेबिलिटी की ओर हो रही है। और थर्ड वे की जहाँ तक आपकी जो वे का चल रहा है, तो थर्ड वे में अभी तो तैयारियाँ उतनी जोर शोर से नहीं हो पाई हैं, लेकिन उसकी तैयारी करना पड़ेगा जो बाकी है अभी। जैसा नया रोग ब्लैक फंगस आया है उसके बारे में? ब्लैक फंगस के रीवा में 10-15 केसेज आए हुए हैं और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है। और उसमें जो एम्फीट्रोसिन इंजेक्शन यूज़ किया जा रहा है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट अपने हाथ में रखी हुई है, पेशेंट को लग रहा है। इससे पेशेंट को हमारे यहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह का कोई भी नहीं है। माता की तरफ सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति है, उन्होंने भी ना मतलब मदद के लिए आगे आए हैं। हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आशा कार्यकर्ता ये नाम है, उनके लिए आज उन लोगों ने 200 की ना सुरक्षा किट ना प्रदान किए हैं। इसमें सैनिटाइज़र है, मास्क है, कैप है। सो डेफिनेटली लगातार हमारी ना हेल्थ वर्कर्स ना फील्ड में काम कर रहे हैं। भले अभी केसेस कम हुआ है बट लगातार है ना वो लोग जाँच कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। होम आइसोलेशन के केसेस में किल कोरोना अभियान 4 अभी है ना फील्ड में ना चल रही है। सो डेफिनेटली ये सारी किट्स ना हमारे लिए ना मदद में आएगा। हम इसमें पहले चरण में हमारी सागरी क्षेत्र के कितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन सबको ना डिस्ट्रीब्यूट, इसका परिणाम भी मिला है कि लगातार ना केसेस में कमी आई है, पॉजिटिविटी रेट कम हुई है। बट हम लोग अभी भी ना सतर्क ही है कि हम लोग ना कभी भी लापरवाही हमको नहीं करना चाहिए। इसलिए सभी लोगों से अपील भी करता हूँ कि वैक्सीनेशन हो, आप कोविड पे इन्फेक्टेड होते हुए वापस रिकवर्ड भी हो, फिर भी है ना हम सभी को भी ना मास्क ना पहनना चाहिए एंड सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना चाहिए। हाथ को बार बार ना साबुन से ना धुलाई करना चाहिए या सैनिटाइजर को यूज़ करना चाहिए। जैसे हमारी आशाएं घर घर जाकर एक एक व्यक्ति का सर्वे कर रही थी कि उसकी सर्दी खांसी बुखार ये सब तो नहीं, तो उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी थी। हम लोगों ने अपनी तरफ से व्यवस्था की थी लेकिन इनके द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो बहुत ही अच्छी है। अच्छा।
हमारे साथ माता के दरबार की टीम है और उनके उपाध्यक्ष शेखर जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से आज आप लोगों ने किट आशा कार्यकर्ताओं को दी है, बताएं। माता के दरबार सांस्कृतिक सामाजिक संस्था द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक 200 किट तैयार करके कलेक्टर साहब के माध्यम से उनके लिए दी गई है। आम जनता से भी यही अपील करते हैं कि आगे जब अनलॉक होने वाला है, अनलॉक में भी हमें पूरी उसी तरह सावधानी बरतनी है। कमलेश सचदेवा जी हैं जो कि उद्योग क्षेत्र में काम करते हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि इस कोविड काल में कितनी परेशानियां गई हैं, तो किस तरह से और मेडिकल की सुविधाएं अपने शहर को उपलब्ध होनी चाहिए। कोरोना काल में सेकेंड वेव में बहुत अच्छा काम रीवा में हुआ है मेडिकल के क्षेत्र में, जिसमें साधुवाद देने लायक है रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी को और साधुवाद देने लायक है कलेक्टर साहब को, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम को, जिसने इस कोरोना काल में न तो ऑक्सीजन कम होने दी, न यहाँ बेडों की कमी आने दी, पूरी तरह से तन्मयता से लग के बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि जैसे ही आशंका व्यक्त की जा रही है थर्ड वेव की, उसमें थोड़ी सी तैयारियां और करने लायक है। जैसे बेड की संख्या अभी मेरे जानकारी में 800-900 बेड की व्यवस्था है, इसको बढ़ाकर कम से कम 1500 बेड करना चाहिए। इस बार के कोरोना काल में 4-5 दिन बहुत ही क्रिटिकल रहे हैं, जिसमें नेक टू नेक चल रहा था कि 2 बेड खाली हो रहे, 3 पेशेंट आ रहे, 3 बेड खाली हो, वो परिस्थितियों को इस बार सॉल्व करके अगली बार बहुत अच्छे से उसका काम करना चाहिए। जैसा कि देखने में आ रहा है कि अभी ब्लैक फंगस की जो शिकायतें आ रही हैं और केस बढ़ रहे हैं, तो मेडिकल के क्षेत्र में और इनकी क्या तैयारी है? सरकारी स्तर पर ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक फंगस में खास तौर पर जिस तरह के इंजेक्शन यूज़ हो रहे हैं वो बहुत महंगे हैं, जो कि प्राइवेट लेवल पर वर्किंग कर पाना, लोगों को सपोर्ट मिल पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो सरकार को कायदे से हर ज़िले में कम से कम 200-300 पेशेंट्स के हिसाब से व्यवस्थाएं बना के चलनी चाहिए, ताकि वो इंजेक्शन की शॉर्टेज ना हो। लेते जाओ, लेते जाओ, उनको बुला लिया। श्री इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी का जन्म दिवस है और शिल्पी सेवा समिति द्वारा आज करीब यहाँ 500-1000 पैकेट की व्यवस्था की गई भोजन की, जो सभी पुलिस एवं गरीब लोगों को किया जा रहा है। आज जितने भी पुलिस कर्मी हैं, आज ऐसे तमाम पुलिस कर्मियों को हेल्थ ड्रिंक्स और ऐसे तमाम चीज़ें वितरित कर रहे हैं, ताकि उनका भी मनोबल बढ़े। वो जो दिनरात सेवा कर रहे हैं 24 घंटे बिना अपने परिवार की फिक्र किए, बिना मेडिकल के क्षेत्र में क्या तैयारी है और लॉकडाउन खुलने के बाद ये क्या तैयारी मेडिकल में है, आप ही बताएं। 1/6 से लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, मगर सब वासियों को बोलना है कि आप जिस प्रकार पालन करते आ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाना है, हाथ बार बार धोना है, उसके लिए आपने वही करते रहना है, क्योंकि अभी लॉकडाउन तीसरे की लहर भी सुनने में आ रही है, इसलिए उससे बचाव करना है और अपने आप को और अगले आदमी को भी कोई तकलीफ ना हो सुविधा देनी है। अभी जिस तरह से आप बैठते हैं दुकान पे, तो किस तरह के मैंने ज़्यादातर दवाइयाँ किस तरह की मैंने लोग लेने आ रहे हैं? ये कोरोना काल में दवाइयाँ कोरोना की सब लोग लेने आ रहे हैं और एक नया रोग जो ब्लैक फंगस निकल आया है उसकी भी दवाइयाँ लेने आ रहे हैं, और ब्लैक फंगस के कारण लोगों की आंखें जा रही हैं, इसलिए जो डायबिटीज़ जिसके यहाँ ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा असर हो रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।